गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। लास्ट लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 13, सॉरी, न्यू बुक 13.3। ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था, लास्ट टॉपिक कल इंट्रोड्यूस एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ पहला क्वेश्चन भी हमने कल ही कर लिया था। एग्जाम्पल्स आप देखते रहना, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिखे, अगर डाउट हो तो पूछ लेना साथ के साथ ही, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन नंबर टू करना है आज अपने को, एक्सरसाइज नंबर 14.3 से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और 14.3 का क्वेश्चन नंबर टू जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीन तो हम कर चुके हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन अभी हम करने वाले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन एक बार रीड आउट करते हैं। देखो, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन ऑलरेडी गिवन है, कितना? 28.5, ये मीडियन ऑलरेडी गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्स एंड वाई, एंड यू कैन सी एक्स जो है फ्रीक्वेंसी में कहीं आ रहा है, वाई भी जो है वो फ्रीक्वेंसी में कहीं आ रहा है, दैट मीन्स दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक नहीं, कितनी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है? दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, और फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 60, तो n इक्वल टू 60 लिख देना आप कॉलम के नीचे, ठीक है? तो टेबल ड्रॉ हो गई सभी सभी की, देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ेंगे टेबल में। क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से डिनोट करा देते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन इसका मीडियम का है तो मीडियम के क्वेश्चन में एक कॉलम और एक्स्ट्रा हमको ऐड करना होता है, जिसको हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे अब हम, निकाल ली। देखें कैसे निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सम्मिलित फ्रीक्वेंसी, मतलब अब तक की फ्रीक्वेंसी, जिस स्टेप पे मैं खड़ा हूं उस स्टेप तक की टोटल फ्रीक्वेंसी। तो पहले स्टेप पे टोटल फ्रीक्वेंसी 5 की 5 ही रहेगी रहेगी, सेकंड स्टेप पे अगली जुड़ जाएगी, तो 5 में x जोड़ेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 5 प्लस x, 5 है, 5x और 5 प्लस x आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, 5x का मतलब 5 इंटू x होता है, 5 प्लस एक्स में फिर 20 जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट कांस्टेंट से जुड़ेगा, तो 20 20 के साथ 5 जुड़ के क्या बनता है? 25 प्लस एक्स, देन 25 प्लस एक्स में अगेन 15 कांस्टेंट जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 प्लस एक्स, कैसे लेट हो गए? कहाँ जाके आए थे? जिम ने गए थे, बढ़िया, रसगुल्ले रसगुल्ले खा गया है, गुलाब जामुन खा गया है, ठीक है, ओके, होमवर्क करके आयो, रसगुल्ला याद है, गुलाब जामुन याद है, जीमना याद है, बट रसगुल्ला ही नहीं होता, क्यों? रसगुल्ला होता ही नहीं, ये पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब आप लोगों के जीमने के प्रोग्राम में रसगुल्ला सर्व नहीं करते, ठीक है, मैंने इस चीज को कभी नोटिस नहीं किया। 40 प्लस एक्स, चलो आओ देखो, 40 मतलब आपके लोगों के जीने में कभी आए तो रसगुल्ला एक्सपेक्ट करके ही ना आए, घर से सोच के ही ना जाए रसगुल्ला। चलो देखो इधर, 40 प्लस एक्स, साथ में वाई भी जोड़ देंगे तो वाई ना तो 40 में जुड़ना ना एक्स में जुड़ना, वाई अलग ही क्वांटिटी है, तो 40 प्लस एक्स प्लस, ठीक है, 40 प्लस एक्स प्लस, और फिर 40 के साथ 5 4 जोड़ देंगे प्लस एक्स प्लस वन, और ये n इक्वल टू 60 है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो, क्लास के बाद होमवर्क करके दिखा के फिर जाओगे। ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर है? चले हम आगे, आगे देखो उदित, ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन मीडियन का है तो मीडियन निकालने के प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखो बेटा, कितनी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है? दो,
ऑब्वियस बात है कि इक्वेशंस भी कितनी बनेंगी, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीख क्या है कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस अगर हम बना सकते हैं तो ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम नहीं बना सकते तो उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो अब दो इक्वेशन कैसे बनाएं? देखो एक इक्वेशन तो ऑब्वियसली मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बन जाएगी, और उसके दिए हुए मीडियन से इक्वेट कर देंगे, जो उसने ऊपर मीडियन दिया है उससे इक्वेट कर देंगे, तो एक इक्वेशन तो वहां से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? चेक करो टोटल से। किससे बनेगी? क्या सीखा है हमने कि जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच करता है, इक्वल होता है उसके, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। तो यहां से एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन जाएगी ना, और एक इक्वेशन जब अपन मीडियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब बनेगी। समझ आया? कोई डाउट यहां तक? ओके चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इक्वल टू क्या है बोलो? 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, बोलो, है ना? दैट इज वो किससे मैच करती है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। किससे मैच करती है? एन से। किससे मैच करती है? एन से। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? और वो एन की वैल्यू टेबल में आपको गिवन है कितनी, तो उसी के आगे मैं क्या लगा सकता हूँ? इक्वल टू 60, विच इज गिवन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे गिवन है। तो यहां से एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 को उधर भेज दूं, तो 60 माइनस 45 इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू, बोलो 60 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15। क्या बचेगा? 15। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन जो कि एक्स और वाई वेरिएबल में है। इक्वेशन नंबर 1, यहां तक करो नोट डाउन, और कोई डाउट हो तो पूछो। एक इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि इसमें अगर मान लो एक ही वेरिएबल होता, लेट अस सपोज करो एक्स ही होता तो एक्स की वैल्यू 15 आ जाती, लेट अस सपोज करो वाई होता तो वाई की वैल्यू 15 आ जाती, पर दोनों हैं तो दो वेरिएबल हैं तो एक और इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन अब मीडियन निकालने जाएंगे और उसके दिए हुए मीडियन से हमारे निकाले हुए मीडियन को इक्वेट कर देंगे, तो वहां से एक्स और वाई की दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये ऐसा भी पॉसिबल है कि वहां से सीधे एक्स या वाई में से एक वैल्यू मिल जाए, जो मीडियन निकालने का प्रोसेस शुरू करेंगे हो सकता है वहां से सीधे एक्स की वैल्यू मिल जाए या वाई की वैल्यू मिल जाए, उस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे इक्वेशन वन में तो बचे हुए वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी, वो देखा जाएगा अभी हमको क्या कहता है। चलो तो मीडियन निकालने का प्रोसेस शुरू करें। बोलो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? कल सीखा था, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हाफ किया जाता है। क्या किया जाता है? हाफ। तो देखो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ क्योंकि ये तो बढ़ गया अभी, पर नेक्स्ट पेज में फिर ये नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। क्या फॉर्मूले में एन बाय टू? आप एन बाय टू करके क्या करते हो आगे बताओ, फालतू के उल्टे सुलटे जवाब मत दो, मीडियन निकालने का प्रोसेस बताओ, सबसे पहले क्या करते हो, फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हो, मीडियन क्लास कौन निकालेगा, वो कैसे निकालते हो बोलो? नहीं, मीडियन क्लास कैसे निकालते हो बताओ, खड़े होके बताओ। सी एफ कैसे निकलेगा? सी एफ और एफ तो मीडियन क्लास के बाद का काम है, मीडियन क्लास कैसे निकलेगी? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी में?
अभी कौन सी मैं करूं, इसमें इसको प्लस करूं या इसमें इसको प्लस करूं या इसमें इसको, किसमें किसको प्लस करूं बताओ, कौन सी बच गई है यहाँ पे? पंद्रह, पंद्रह को क्यों चुना आपने? मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे पूछा है, मुझे थोड़ा पता 15 को ही चूज करना है। वंश खड़े होके बताना कि मीडियम क्लास कैसे चूज करते हैं। अच्छा, मीडियम क्लास हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है, फिर मॉडल क्लास क्या होता है? सक्षम बताना मीडियम क्लास कैसे चूज करते हैं। क्या क्या 20 15 में क्या कह रहे हैं समझा नहीं। वो तो क्लास मार्क होता है, एवरेज निकालते हैं, वो तो क्लास मार्क होता है। मैं पूछ रहा हूँ मीडियम क्लास, ये सारी क्लास इंटरवेल से हैं, इन सारी क्लास इंटरवेल में से किसी ना किसी, रुद्र खड़ा हो जा, हैंड्स अप, दीवार पे जाके हाथ ऊपर कर ले। इन सारी क्लास इंटरवल में से किसी एक क्लास इंटरवल में मेरा मीडियन बैठा है, तो वो मीडियन ढूंढने के लिए पहले वो क्लास ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। वो क्लास कैसे ढूंढते हैं ये सवाल है मेरा, और बड़े ही डिटेल में कल हमने डिस्कस किया था। क्लास जैसे कि इस बार कौन सी है मुझे करके बताओ, एन का हाफ करके, ये एन का मैंने हाफ कर दिया, जैसे एन तो 60, 60 का हाफ कर दिया 30, अब आगे क्या करते हैं वो पूछ रहा हूँ। बड़ा 30 से 10 बड़ा क्या? क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन बाय टू से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक किया जाता है, या तो एग्जैक्टली उससे मैच होना चाहिए या जस्ट उससे बड़ा होना चाहिए। अब उससे जस्ट बड़ा ढूंढने के लिए एन बाय टू की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर आप कैसे कह रहे हो कि सीधे फॉर्मूला में रख देंगे? उधर एन बाय टू हो रहा था फॉर्मूला में, फॉर्मूला से पहले उसके फॉर्मूला के इंग्रेडिएंट्स पता करोगे, सी एफ एफ ये सब क्या क्या है पता करोगे, ये सीधे फॉर्मूला लगाओगे पता करोगे। वो इंग्रेडिएंट्स पता किससे होंगे? मीडियम क्लास से। वो मीडियम क्लास किससे पता चलेगी? एन बाय टू से। तो आपके बस उस सवाल का जवाब है ये कि सर हम दोबारा एन बाय टू क्यों लिख रहे हैं जब हमने फॉर्मूले में लिख लिया। आपके वो आलसपन का जवाब है जो आप सोच रहे हो कि मैं इधर एन बाय टू ना लिख के और एन बाय टू की वैल्यू सीधे ही मैं फॉर्मूला में लिख दूं 30, तो वहां पे तो 30 तब लिखेगा ना जब मीडियम क्लास पता चलेगी, और वो भी एन बाय टू से ही पता चलेगी। वंश बैठो, सक्षम बैठो, आप खड़े रहो। है यार, एन इक्वल टू 60, एन इक्वल टू 60 गिवन है ही सही, एंड साथ में लगे हाथ एन बाय टू निकालो, 60/2 कितना आया, ये 30 कितना आया 30। अब एन बाय टू से जस्ट बड़ी क्लास इंटरवल निकाली जाती है, सी एफ निकाली जाती है पता करने के लिए कि मीडियम क्लास कौन सी है। एन बाय टू यानी 30, एन बाय टू यानी कि 30। तो मौलिक मुझे बताएगा 30 या 30 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सी? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, टोटल का आधा करते हैं। अब ये आधा जो भी वैल्यू आई है, एक्स्ट्रा जो भी बोलेगा वो क्लास से बाहर है। ये जो आधा आया है, ये आधा या तो एग्जैक्टली इधर दिखाई देना चाहिए क्या, फिर नहीं दिखाई दे रहा है तो जस्ट उससे बड़ा बड़ी वैल्यू। तो आप देखो 30 एक्सैक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं, मान लो यहाँ पे 30 होता 30, तो 30 के सीट वाली मीडियम क्लास हो जाती है, मान लो यहाँ होता तो ये मीडियम क्लास हो जाती, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा ना 30, तो जस्ट बड़ा 30 से कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मॉडल करता है? पहले तो खड़े होना फर्स्ट करो, ठीक है खड़े हो, हाँ 30 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताया आपने, 40+x। अभी तक सुनो, अगर x की वैल्यू 7 है तो ये 25 और 7 कितना हुआ, तो ये एक मिनट 25 और 7 कितना हुआ, फिर
ये भी 37% बड़ा हो सकता है, और तो और x की वैल्यू मान लो 40 है तो वो भी हो सकता है। तो आप इधर ही हुए, इसका मतलब है आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो, केवल x और y को तो छुपा के केवल कांस्टेंट क्वांटिटी को देख रहे हो। आप 25 से बड़ा देख रहे हो, लेकिन 25 में आगे 25 प्लस x भी लिखा हुआ है, यस चलिए लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताओ सोच के, थोड़ा सोच के बताइए कि हाउ विल यू फाइंड द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 30, जस्ट ग्रेटर देन 30। यस कृतिका, ये गेट लगाओ, आते ही लगा दिया करो, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी। हाँ मिनी, मुझे ये बताओ बस कि क्या मैं 30 से जस्ट बड़ा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल, पता लगा सकता हूँ कि 30 से जस्ट बड़ा क्यूम्युलेटिव कौन सा सीएफ है या नहीं है, ये पता लगा सकता हूँ आई एम कैसे? चलो बताओ 30 से जस्ट बड़ा सीएफ कौन सा है? 25 प्लस है, अगर एक्स की वैल्यू 30 हुई तो लेट अस से एक्स की वैल्यू 30 है, जस्ट बड़ा सीएफ निकालना या तो इम्पॉसिबल है या फिर बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं उसको निकालने के बारे में सोचूंगा ही, मैं निकालूंगा ही। सर पीछे पीछे कहा था ना मैं, फिर सर अगर आप वो सीएफ नहीं निकालोगे तो मीडियम क्लास कैसे निकलेगी? मैं सीएफ क्यों निकाल रहा था? मीडियम क्लास के लिए मेरा टारगेट क्या था? मीडियम क्लास निकालना, इसलिए तो मैं 30 से 10 बड़ा सीएफ सोच रहा था। लेकिन अगर मुझे मीडियम क्लास देते ही मिल जाए तो मैं 30 से 10 बड़ा सीएफ सोचूंगा क्या? नहीं सोचूंगा। अब मीडियम ऐसे मीडियम क्लास ऐसे कैसे मिल जाएगी सर आपको? क्योंकि मुझे मीडियम दिया हुआ है। अरे कितना दिया हुआ है मीडियम पर? मीडियम मीडियम क्लास ही होता की मॉडल क्लास होता मीडियम क्लास में बैठेगा ना, तो 28.5 इस क्लास इंटरवल कौन सी क्लास इंटरवल में बैठेगा? 20 30। मुझे मीडियम क्लास वैसे ही पता है, मैं क्यों वो प्रोसेस में जाऊं? मैं वो प्रोसेस तब अप्लाई करता हूं जब मुझे मीडियम क्लास नहीं पता होता। मैं मीडियम देखकर मीडियम क्लास नहीं बता सकता क्या? बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे n by 2 जरूर निकालूंगा क्योंकि इसको फॉर्मूला में पुटअप करना है मुझे। लेकिन मैं जो अगली स्टेप लिखता था बाकी क्वेश्चंस में क्या लिखता था? क्लास इंटरवल विद द cf जस्ट अबव n by 2, वो अगली स्टेप नहीं लिखता। इसको स्टेप में जो लिखता था मीडियम क्लास पता करने के लिए, अभी मीडियम क्लास पता नहीं कर रहे। समझ आया? क्लियर है? चलो तो आप कैसे करेंगे हम यहाँ पे? नाउ मीडियम इज गिवन एज, मीडियम इज गिवन एज हाउ मच? 28.5 के सामने लिख देना गिवन, गिवन। सो मीडियम ही गिवन है तो मीडियम क्लास सीधे निकल जाएगी। सो मीडियम क्लास कौन सी हो गई? 20 से 30, 28, 28.5, 20 से 30 के बीच में लाया करता है, नहीं करता है? और एक बार जो मीडियम क्लास मिल गई तो बाकी इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे मुझे फॉर्मूला के। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें? सी एफ, एफ, एच और एल, चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चारों पता चल जाएंगे और n by 2 की वैल्यू को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलो तो चारों इंग्रेडिएंट्स पता करते हैं। सबसे पहले सो
मीडियम क्लास के एल और एच पता कर लो सबसे पहले, सबसे आसान वही है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास क्या हुआ 20, और ये भी क्या होता है विड्थ होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या निकला 10। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ली जाती है, मीडियन क्लास की, यानी कि ये है मेरी मीडियन क्लास, आप टेबल में भी मार्क कर लो प्लीज, दिस इज माय मीडियन क्लास। हाँ तो आप फ्रीक्वेंसी बताओ किसकी लिखते हो, एफ की वैल्यू क्या लिखते हो, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्या लिखते हो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या निकल रही है 20, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मीडियम क्लास की नहीं लिखते हो, जस्ट ऊपर वाली लिखते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली लिखेंगे, तो इससे जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो कौन सी है, पाई प्लस एक्स। क्या कह रहे हो, नहीं हो तो नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो, मीडियन अगर ऐसी किसी क्लास से आ जाए जिसमें जैसे मान लो 25 ही होता, हाँ तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है, फिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो देखो अगर ये नहीं होगा तो अब जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, अच्छा आप कह रहे हो कि उसमें, तो फिर एक बात बताओ, अगर इस तरीके से अगर इसमें एक्स होगा ही नहीं, इसमें एक्स होगा ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन ही कैसे बनेगा, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ऑब्वियसली मीडियन क्लास से पहले से ही शुरू होगी, उसके बाद नहीं शुरू हो सकती, और उससे पहले अगर वो शुरू होगी तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वेरिएबल पार्ट आ ही जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक बार क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, फिर थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी, इससे ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है 5 प्लस है, लिख दो, ये लो चारों इंग्रेडिएंट्स पता चल गए, और पांचवा इंग्रेडिएंट तो खुद n बाय 2 होता है जिसकी वैल्यू 30, पांचवा इंग्रेडिएंट्स पता चल गए, अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है नेक्स्ट पेज पे आते हैं नाउ। मीडियन n इक्वल टू द फॉर्मूला इज वेरी मच क्लियर, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच, सॉरी एच, ठीक है। सो लोअर लिमिट एल की वैल्यू क्या निकाली थी, मैंने चेक करते जाओ 20 लिखूं यहाँ पे, एन बाय टू की वैल्यू क्या निकाली थी 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली लिखनी है क्या है, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, बाइनोमियल ले दो, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी 20, और क्लास विड्थ कितनी थी 10, इसको सॉल्व कर दें अभी, ठीक है। इसके आगे ये भी तो लिख दो, इक्वल टू कितना गिवन है, कितना है मीडियन 28.5, सामने डालो गिवन, वो पहले हमने क्लास विड्थ क्लास मीडियन क्लास निकालने के लिए लिखा था, अभी इक्वेशन बनाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इम्प्लाइज साइन लग जाएगा, इक्वेशन से पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा, इम्प्लाइज साइन, इम्प्लाइज इक्वल टू उसके आगे भी 28.5 लग जाएगा। चलो जीरो से जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, 20 प्लस 30 माइनस 5 कितना होता है 25, और माइनस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों पे माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे भी और उस पे भी, समझे, ठीक है। तो 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आया नीचे 2 इक्वल टू व्हाट 28.5, यहां तक कोई डाउट। अब यहां से आपको देखो, आप क्लियरली देखो, x के साथ y भी मिला आपको, x भी मिला, मैंने आपको क्या कहा था, या तो दूसरी इक्वेशन x और y में बनी थी या किसी सिंगल एक वेरिएबल में बनी, सिंगल एक वेरिएबल में बनती है, तो यहां से सीधे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन से छोड़ दिया अपना पुट कर दूंगा तो वहां से y, लेकिन हो सकता है कि ये यहां तक आते आते ये इक्वेशन भी दोनों वेरिएबल में बने उसके का आंसर थी, अगर मेरे मीडियम क्लास से पहले x के साथ साथ y भी आ जाता, जैसे मेरी मीडियम क्लास ये थी ना 20 to 30, तो इससे पहले केवल x इंट्रोड्यूस हुआ था, y इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए यहाँ पे y नहीं आया, लेकिन हो सकता था ये y पहले ही आ जाता, यहाँ x आ जाता, यहाँ y आ जाता, तो दोनों लोग अगर पहले इंट्रोड्यूस हो जाते तो इस इक्वेशन में भी x और y दोनों दिखाई देते, और फिर हमको जो हमारे चैप्टर नंबर 3 के लॉजिक्स हैं सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उस तरीके से सॉल्व करना होता है जिसमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मेन मेथड्स हैं।
अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल में हम कोई भी मेथड लगाते नहीं, वैसे आंसर है। चलो जी, तो कैसे सॉल्व करूं? सबसे पहले 20 को उधर पहुंचा दो, तो 20 उधर पहुंचेगा तो इधर क्या बचेगा, 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और 20 उधर जाएगा तो 28, साढ़े 28 में से 20 माइनस करो, 8.5, 8.5, ठीक है। अब 2 को उधर पहुंचा दूं, तो नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिख देता हूं मैं, 2 को उधर पहुंचाऊंगा तो इधर क्या बचेगा, 25 माइनस एक्स, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.5 से, 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, साढ़े 8 का दुगना क्या होता है 17, तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 17, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 25 में से 17 माइनस करके, तो एक्स इक्वल टू 25 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 3 और 5 8, एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, डन। और इस एक्स की वैल्यू 8 को मैं पीछे जो इक्वेशन 1 बना के छोड़ के आया उसमें पुट अप कर दूंगा तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, समझ आया। नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, वी गेट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या थी बोलना एक बार, x प्लस वाई बराबर 15, तो x तो 8 हो गया प्लस वाई बराबर 15 इंप्लाई y बराबर 7, 15 माइनस 8 बराबर, तो ये x की वैल्यू आ गई है 8, y की वैल्यू आ गई है 7, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट बनता है यहाँ पे, हेंस द रिक्वायर्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, या हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज लिखो आप, तो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, x क्या निकाला 8, y क्या निकाला 7 रेस्पेक्टिवली, पहले नीचे वाला पोर्शन है फिर उसके बाद ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, नोट अच्छे से करना सॉल्यूशन, समझ आया। तो मीडियन के केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का थोड़ा सा पार्ट अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये सबसे क्रूशियल पार्ट है कि आप मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करोगे, तो वो कई बार नहीं क्लिक करता है कि मीडियन ही दे रखा है तो मीडियन क्लास वैसे ही पता है आपने, ये बात क्लिक नहीं करती कई बार, और सोचते ही रहते हैं बच्चे कि मीडियन क्लास कैसे निकालें क्योंकि एक्स और वाई की तो वैल्यू पता नहीं है, तो 30 से जस्ट बड़ी वाली सी एफ कैसे सोचें, समझे क्या, समझे बोलो वंश, हो गया नोट डाउन। ठीक है, और एक और चीज सुनो, एक हिंट और था, अगर आप उस लॉजिक से भी चलते लेकिन उससे भी सारी बातें क्लियर नहीं थी, बस थोड़ा बहुत हिंट जरूर मिलता कि 30 से बड़ी सी एफ कैसे सोचें। देखो x और y का सम क्या है, तो x ले लो या y ले लो, मैक्सिमम 15 ही होगा, 15 से ज्यादा थोड़ा होगा, अगर 15 से ज्यादा हो गया तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती, तो x की वैल्यू मैक्सिमम 15 हो सकती है, यहाँ पे मैक्सिमम 15 हो सकती है, यहाँ पे भी मैक्सिमम, तो तू ज्यादा से ज्यादा 15 भी ले लेगा तो भी 20 ही बनेगा, तो तू 30 से बड़ा तो हो नहीं पाया, तो यानी कि ये तो चीज क्लियर हो जाती वहां से कि ये तो नहीं है मीडियन क्लास, हाँ अब इसमें से ये है या ये है वो सोचना पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 15 अगर लिख दूं तो 25 और 15 40 30 को क्रॉस करता है, लेकिन मान लो एक्स की वैल्यू मैं 5 ही लिखूं या 4 ही लिखूं तो 25 और 4 29 उसको क्रॉस नहीं करता है, तो अभी भी डाउटफुल है, मतलब नीचे के कोई वैल्यूज में से कोई आ सकती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुल मिलाकर ये तो नहीं आ सकती, तो कुल मिलाकर वो लॉजिक ही बेकार है, वो लॉजिक ही बेकार है कि सीएफ से जस्ट एन बाय टू से जस्ट बड़ा सीएफ ढूंढे, ये लॉजिक बेकार है, सबसे सही लॉजिक क्या है कि मीडियन गिवन है सीधे सीधे मीडियन क्लास निकाले, क्लियर है अभी, ठीक है, चलो कर दो डिलीट, इंपॉर्टेंट मार्क करो उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं मैं इसको, कुछ सॉल्यूशन वगैरह किसी को लिखना हो तो लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस आप समझते हैं क्या होता है, कौन नहीं समझता, लाइफ इंश्योरेंस सही में नहीं समझते, किसी के पापा है क्या एलआईसी एजेंट, एलआईसी नहीं सुना तुमने, कैसी बातें करते हो,
एल आई सी की फुल फॉर्म बताओ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फाइन, अब मुझे ये भी बता दो, टेल मी, चलो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, नहीं पता किसी को? ठीक है, एक काम करते हैं इस कॉलम को एक बार डिलीट ही कर देते हैं, नहीं तो फिर इसमें बार बार नजर जाएगी, है ना। ठीक है, तो दो कॉलम मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और फिर मैंने क्लास इंटरवल को किसमें कन्वर्ट किया, लेस देन टाइप क्लास इंटरवल। सिमिलरली मैंने फ्रीक्वेंसी को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव। अब करना है उसको कन्वर्ट। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनो, जीरो और दस के बीच में अगर पांच स्टूडेंट है, मान लो ये मार्क्स है, तो जीरो से लेकर दस मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट है, पांच। तो उसके बताओ दस मार्क्स से कम स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट है, वही पांच। तो उसके बताओ जीरो से लेके दस मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, पांच। तो मैंने कहा दस से कम मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किए, दस से कम होंगे जीरो के लिए आंसर स्कोर करने वाले, तो लेस देन फाइव, लेस देन टेन में भी मैं फाइव ही डालूंगा, बोलो डालेंगे। चलो अब है लेस देन 20, 20 मार्क्स से कम स्कोर करने वाले बच्चे कितने, तो मुझे बताओ इन लोगों ने 20 मार्क्स से कम स्कोर किया है ना, ये पांचों बच्चों ने 20 मार्क्स से कम स्कोर किया ही किया है, इन सातों बच्चों ने भी 20 मार्क्स से कम स्कोर किया है, क्योंकि ये किस रेंज में आ रहे हैं, 10 से 20, और 20 काउंटेड नहीं होता उसमें, 20 उसमें काउंटेड, तो चाहे तो 19.5 20 काउंटेड नहीं होगा, ये सातों बच्चे 20 मार्क्स से कम स्कोर करके बैठे हैं, तो टोटल 20 मार्क्स से कम स्कोर करने वाले 7 और 5 12 बच्चे हो गए, 5 का 7 12 लिख दो 12। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 मार्क्स से कम स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, ये पांचों बच्चों ने 30 मार्क्स से कम स्कोर किया, ये सातों बच्चों ने भी 30 मार्क्स से कम स्कोर किया, और ये तीनों बच्चों ने भी 30 मार्क्स, इन तीनों का टोटल करूंगा 7 + 3 10 + 5 15, क्या लिखूंगा 15। चलते हैं आगे, अब 40 मार्क्स से कम स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, ये चार कैटेगरी के लोग, तो कितना हुआ था 15 तो हो गया, तो 15 में 2 और जोड़ दो 17। ठीक है, अब मैंने कहा कि 50 मार्क्स से कम स्कोर कितने बच्चों ने किया, सभी ने किया, क्योंकि 50 से ज्यादा तो किसी भी नहीं, सभी ने 50 से कम स्कोर किया है, इन्होंने भी 50 से कम, इन्होंने भी 50 से कम, इन्होंने भी 50 से कम, इन्होंने 50 से कम, तो टोटल कितना आ रहा था 26, क्या रहा था 26। अब आप एक चीज सुनिए, जो अभी अपन 2-3 क्वेश्चंस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं वो ऐसी तो बनी थी, अभी मैंने बीच में बनवाई थी तो भी तो ऐसी बनी थी, मैंने डिलीट इसलिए करवा दी, नहीं तो आप कहते सेम ही तो बना रहे हो, तो एक्चुअली जो अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं वो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, जबकि दो तरीके की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप, ज्यादा जनरल जो जनरल जो यूज की जाती है मीडियम निकालने के लिए वो कौन सी होती है, और हम आपने दो तीन मिनट में जो बनाती है वो भी कैसी है, लेकिन मोटेन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बन सकती है, वो कैसे बनती है चेक करो, वो कैसे बनती है, तो लेट से इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, तो मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल्स बनाता हूँ पहले, तो मैंने क्या कहा था लेस देन में तो हम अपर लिमिट्स लेते हैं, तो मोर देन में क्या लेंगे, तो मोर देन टाइप क्लास इंटरवल बनेगी, पहले तो मोर देन टाइप क्या बनेगी, क्लास इंटरवल, उसमें क्या लिख देंगे हम मोर देन, फिर से मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन। ठीक है, अब क्या ले लेंगे हम लोअर लिमिट, क्या ले लेंगे लोअर लिमिट, कौन कौन सी है, 0, 10, 20, 30, 40, तो ये तो हो गई हमारी मोर देन टाइप की क्लास इंटरवल। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमने लेस देन टाइप सीएफ बनाया है वैसे हम क्या बनाएंगे मोर देन टाइप, तो यहाँ पे स्पेस केवल एक ही जगह दिख रहा है, ये वाला गैप इसी में हाल फिलहाल तो कर देता हूं मैं, मोर देन टाइप सीएफ, मोर देन टाइप सीएफ। चलो अब लगाओ दिमाग, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 0 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, सारे ही बच्चे हैं जिन्होंने 0 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, सारे के सारे बच्चों ने 0 से ज्यादा स्कोर किया नहीं किया है, बोलो किया है, तो 26 के 26 आएंगे इधर, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा स्कोर किया है, तो 10 से ज्यादा स्कोर करने में सारे हैं बस पहले वाले नहीं है, पहली कैटेगरी में तो 0 से 10 के बीच में है ना, तो 26 में से क्या कर दूंगा माइनस
पांच, 26 में से पांच गया तो 21, 26 में से पांच माइनस करेंगे ना। चलो अब 30 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने वाले कौन से बच्चे हैं, ये तीन कैटेगरी के बच्चे है ना। तो ये तीन कैटेगरी के बच्चे में 21 में से 7 माइनस कर दूंगा तो 14, और 30 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने वाले में यही दोनों हैं, तो यानी कि या तो इन दोनों को जोड़ दो, या तो इन दोनों को जोड़ दो, या नहीं तो 14 माइनस 3 कर दो, एक ही बात है, 14 माइनस 3 यानी कि 11। और 40 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने वाली आखिरी कैटेगरी बचती है 11 माइनस 2 यानी कि 9। देखो भैया इधर देखो स्क्रीन पे, लेस देन टाइप सीएफ में टोटल लास्ट में आता है और फ्रीक्वेंसी का पहला कॉलम मैच करता है, पहली रो मैच करती है। मोर देन टाइप में उल्टा है, मोर देन टाइप में टोटल ऊपर ही ऊपर आता है और फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला मैच करता है। समझ आया? लेस देन टाइप सीएफ वाले कॉलम में जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो पहली सीएफ से मैच करती है और टोटल लास्ट में आता है। मोर देन टाइप सीएफ में टोटल सबसे ऊपर ऊपर आएगा, जो लास्ट वाली सीएफ है वो फ्रीक्वेंसी से मैच करती है ना। नो नो, और उसमें पहली मैच कर रही है पांच, उसमें टोटल नीचे आ रहा है, इसमें टोटल ऊपर आ रहा है। अब अपन देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो अपन लेस देन टाइप सीएफ बनाते हैं या फिर अपन मोर देन टाइप सीएफ बनाते हैं। ज्यादा जो यूज में आने वाला मेथड है वो कौन सा है, लेस देन टाइप सीएफ, इसमें सेमी ऑर्डर कर देते हैं। जैसे अभी मैंने मीडियम निकालने का रो निकालने का तरीका बताया था, या तो सेमी ऑर्डर में चलो या फिर हम पहले को सेमी ऑर्डर में अब इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 6 कॉलम बने हैं, दो कॉलम तो क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी है, दो कॉलम लेस देन टाइप के हिसाब से क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी है, और दो कॉलम मोर देन टाइप के क्लास इंटरवल में उसकी फ्रीक्वेंसी है। 6 कॉलम दिख रहे हैं, देखो ये दोनों कॉलम ओरिजिनल, ये दोनों कॉलम, ये दोनों कॉलम लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको नाम हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दो कॉलम अलग अलग रखे हैं, लेकिन देख पा रहे हो ना, ये मोर देन टाइप की क्लास इंटरवल है और ये इसकी कॉलम है, जिसका नाम गिवन है। अगला सवाल, मीडियम निकालने के लिए कितने कॉलम चाहिए होते हैं, कौन कौन से, एक कौन कौन से, ओरिजिनल इस कॉलम से आपको ये, इस कॉलम और इस कॉलम की मदद से आपको ये दो कॉलम पहले बनाने पड़ेंगे, ये दो कॉलम गिवन है, आपको ये दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, तब जाके मीडियम निकालने की पोजीशन पे आप पहुंचोगे। उन्होंने ओरिजिनल क्लास इंटरवल नहीं दिए, बीच में मत बोले, तो उन्होंने लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल दी है और सामने उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो भी रखा है, हमको लग रहा है वो फ्रीक्वेंसी है, पर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कोई ये नहीं है, वो तो सिंपली लिखेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब वो कॉलम फ्रीक्वेंसी का कॉलम है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, हमको पहचानना है। कैसे पहचानना है, अगर क्लास इंटरवल ये गिवन है तब तो वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, लेकिन अगर क्लास इंटरवल ये गिवन है लेस देन या बिलो करके, तब वो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, अब आप चेक करो कौन सा है वो, बिलो 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 बिलो, लेस देन लेस देन लिखा हुआ है, तो ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो लिखा हुआ है ये एफआई नहीं है, ये एफआई नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, चेक करो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और लास्ट टोटल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं है, ये कैसा कॉलम है, क्यूम्युलेटिव। और इस कॉलम से अब अपने को दो नए कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक कॉलम होगा क्लास इंटरवल, एक कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी, बनाओ फटाफट से, दो कॉलम बना दिए। तो देखो मैं काम करता हूं, एक कॉलम मैं इधर बना रहा हूं, एक कॉलम उधर बना रहा हूं, आप दोनों उधर बनाना, आप दोनों उधर बनाना ना, तो इधर बनाते हैं क्लास इंटरवल, और एक बार ये दोनों कॉलम बन गए तो उसके बाद मीडियम निकालने का दो मिनट का काम, और उधर बनाओ फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर थे, ये कौन सा कॉलम है? ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कौन सा कॉलम है ये? ब्रैकेट में लिख देना, ये कैसा कॉलम है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, शुरू करें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल रेडी करेंगे। तो बिलो 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 दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं, सोच के बताओ। लेस देन में आगे क्या लिखे रहते हैं? अपर लिमिट या लोअर लिमिट्स? बोलो जाओ, बोलो जल्दी बोलो। ये लेस देन के आगे क्या चीज लिखी रहती है? अभी पिछले शीट पे डिस्कस किया ना बेटा, लेस देन जब मैं लिखता हूं तो ये सारी लोअर लिमिट्स होती हैं, चेक करो। अपर लिमिट्स होती है 10-20 हज़ार, और जब मैं मोर देन लिखता हूं तो ये क्या होती है? लोअर। तो अभी क्या लिखा हुआ है? लेस देन, तो यानी कि ये सब क्या है? अपर लिमिट। ठीक है, तो अगर ये सब अपर लिमिट है तो अपर लिमिट तो मिल गई मुझे, सब सारी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मुझे मिल चुकी है, मिल चुकी है। वो तो रेडी करो, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, ये सबकी अपर लिमिट्स को मिल चुकी है। अब मुझे बताओ लोअर लिमिट, अगर अपर लिमिट सबकी है तो क्या आप सबकी लोअर लिमिट्स नहीं निकाल सकते क्या? आप एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में काम कर रहे हो, तो इसकी अपर लिमिट पीछे वाले की लोअर लिमिट होती है? नहीं, उसकी लोअर लिमिट पीछे वाले की अपर लिमिट होती है। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये 25 है तो ये भी, ये 30 है तो 30, फिर 35, 40, 45, 50, 55। रही बात उसकी, तो आप पैटर्न को पहचानो, पांच पांच का गैप है तो उसकी क्या हो जाएगी? तो ये लो साहब, लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल से ओरिजिनल क्लास इंटरवल का कॉलम रेडी हो चुका है, जो मुझे चाहिए होता है मीडियन निकालने के लिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब तक फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे थे, अब क्या बनाएंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या? तो 15 से लेकर 18 नहीं आएगा, 18 दिन में तो आएगा, 15, 16, 17 नहीं आएगा, लेकिन हमको इस पैटर्न को पहचान के लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं लिख सकता 18 दिन, ये क्लास इंटरवल की बिल्ड फ्रेम होती थी। क्लियर है? ठीक है, वो जो आखिरी में इंफॉर्मेशन है ना 18 से 60, वो केवल भ्रमित करने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो पढ़नी, ठीक है ना। चलो अब मुझे ये बताओ, अब तक फ्रीक्वेंसी से सीएफ बना रहे थे, सीएफ से एफ कैसे बनाओगे? कैसे? जब वो जोड़ जोड़ के मिल रहा था तो ये माइनस कर करके मिलेगा। देखो टोटल 100 है, टोटल 100 है, तो ये 100 होगा, होगा ठीक है। अच्छा चलो ये एक मिनट इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, अपन लॉजिक से चलते हैं। 20 साल से कम वाले दो होल्डर हैं, तो 15 से 20 में वही दो होल्डर आएंगे। बीस बोलो, सोच के बताओ भाई, 20 साल से कम होल्डर कितने? दो। तो वो दो होल्डर 15 से 20 कैटेगरी में आएंगे, 20 साल से छोटे हैं ना, इसमें मिला के सबसे 20 साल से छोटे हैं उसी में जाएंगे, तो 20 से 15 से 20 में दो होल्डर कितने हैं? ओके, अब सुनना सुनना ध्यान से, अगर 25 साल से कम कितने होल्डर हैं? 25 साल से कम 6 होल्डर, उसमें से दो होल्डर तो कितने हैं? 4। देखो 25 साल से कम ये दो कैटेगरी में आती है, इन दो कैटेगरी में टोटल मिला के 6 होल्डर हैं, जिसमें से दो होल्डर ऊपर बैठे मिलके कितने आएंगे? 4। समझ आया? यस आया? ओके, एक बार हो, एक बार हो, एक बार देखो, 30 साल से कम टोटल, 30 साल से कम कितने होल्डर हैं? दो। अब 30 साल से कम कौन कौन सी क्लास इंटरवल काउंट हो रही है? ये जैसे तीनों इंटरवल 30 साल से कम है, इन तीनों में टोटल मिला के 24 लोग हैं, जिसमें से 4 और 6 को ऊपर ही बैठे हैं, तो 24 में से ये 6 माइनस 7 गुना तो क्या आएगा? 18। अब क्या सर, बार बार ऐसे देखो ना? नहीं, अब पैटर्न पहचान, दो तीन में ऐसे लॉजिक लगाओ फिर पैटर्न पहचानो। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, देखना ध्यान से क्या हो रहा है। कॉपी पेस्ट, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6, पैटर्न पहचान लिया। हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस होके मिल रही है, मिल रही है, तो अगली कैसे मिलेगी? अब 45 माइनस 24 करो 21, फिर उससे अगली कैसे मिलेगी? 78 माइनस 45 करो 33, 33, फिर इसमें से ये माइनस करो
इलेवन, फिर इसमें से ये माइनस करो थ्री, ओनली थ्री, फिर इसमें से माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, ये बन चुका है आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट। ठीक है, अब ये लो साहब, अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले ही थी, मीडियन निकालो सब लोग अपने आप। तीन कॉलम की किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ, इसकी, इस फ्रीक्वेंसी की और ये क्यूमुलेटिव, और फर्क कितना है, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल अलग और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बीच में होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला राइट साइड में होता है, बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला लेफ्ट साइड में और फ्रीक्वेंसी वाला उसके एक बार फायदा है दो फायदा ना आगे थोड़ा सा बस उल्टा कर देना फ्रीक्वेंसी टेबल को। तो अब मीडियम निकालना है, जल्दी निकाल लो, जल्दी निकाल, वही सेम प्रोसेस n बाई टू वगैरह करके। वंश बुक थोड़ा बैठा क्यों है, बोलो कैसे निकालते हैं मीडियन। सबसे पहले n बाई टू, फिर n इक्वल टू कितना है टोटल 100, इन सब का टोटल लगा देना बाद में, 100 आना चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल क्या आना चाहिए 100, और ये लास्ट वाला जो है टोटल से मैच करता ही है। ठीक है, टोटल लगा के देख लेना है, n इक्वल टू 100 एंड साथ में और क्या निकालते हैं हम, n बाय टू, तो 100 बाय टू यानी कि 50। और अब अपन ओरिजिनल तरीके से सीएफ निकालेंगे, 50 से जस्ट बड़ा सीएफ ढूंढेंगे। तो देखो सीएफ, सीएफ कौन सा है, ये नहीं है, ये है सीएफ, ये है सीएफ, इसमें 50 एग्जैक्टली मिल रहा है क्या, नहीं, तो 50 से जस्ट बड़ा सीएफ 78 है, तो ये हो जाएगी मेरी मीडियम क्लास 78 के सीट में, मतलब 35 से 40 वाली मेरी मीडियम क्लास हो गई, समझे। क्या लिखूंगा मैं स्टेप, मीडियम क्लास इक्वल टू, नाउ मीडियम क्लास मीडियन क्लास कैसे लिखते हैं बोलो, क्लास इंटरवल बोल के बताओ, क्लास इंटरवल विथ सीएफ जस्ट अबव एन बाई टू, एन बाई टू क्या है ना 50, जस्ट अबव 50 यानी कि वो क्लास इंटरवल कौन सी हो जाएगी फिर मेरी 35 to 40। ठीक है 35 to 40। चलो अब मैं डायरेक्ट मीडियन निकाल रहा हूँ, तो मीडियन एम इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी 35, वैल्यूज बता दे जाओ जल्दी जल्दी, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी एल, एल यानी कि 35 प्लस एन बाई टू निकाल ही चुका था 50, सी एफ क्या होगी इससे जस्ट ऊपर वाली, इससे जस्ट ऊपर वाली की सी एफ, तो इससे जस्ट ऊपर वाली की सी एफ कौन सी है, ये रही 21। अरे भैया ये फ्रीक्वेंसी है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाली सी एफ यानी कि ये हो जाएगी मेरी सी एफ। ठीक है, क्या है 45 और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी यानी कि 33 और क्लास विड्थ क्या हो जाएगी 40 - 35 यानी कि 5। इसको इस सम को सॉल्व करो एंड यू विल हैव योर मीडियन इन योर हैंड। ठीक है, इसको सॉल्व करो फटाफट से क्विकली, तो 35 प्लस 50 - 45 इज 5 और 5 जा 25/33, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एक दो स्टेप स्किप कर दिया। 25/33 को सॉल्व करो 2 डेसिमल प्लेस तक जल्दी से।
अप टू टू डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व करना। ट्वेंटी फाइव बाय थर्टी थ्री सॉल्व किया क्या? टू सिंपल है किसी ने? कितना आया? जीरो पॉइंट बताओ जल्दी से। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में उल्टा काम किया है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनाई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाई है, और क्लास इंटरवल भी नहीं गिवन थी, वो भी हमने बनाई है। जीरो पॉइंट सिक्स फाइव, तो आंसर इज 35 अप्रोक्स आ जाएगा, कटेगा तो पूरा नहीं। और ये क्या है? होल्डर नहीं, ये क्या है? एज ईयर। देखो एक्सआई का कॉलम के नाम क्या है? एज इन ईयर, तो क्या लिख दूंगा? ईयर अप्रोक्स। मैच करो पीछे आंसर कैसे मैच कर लो। ठीक है, अब सुन लो बच्चों, इस क्वेश्चन में सीएफ गिवन थी कौन से टाइप की? उससे आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई। आप बिल्कुल रेडी लेना, एग्जाम में आपको मोर देन टाइप की सीएफ गिवन हो सकती है, उससे भी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ सकती है। इसीलिए मैंने लगे आप लेस देन टाइप से मोर देन टाइप भी बनवाई थी, तो उसी का जो फ्रीक्वेंसी से आप मोर देन टाइप की सीएफ बना रहे हो, उसी का उल्टा प्रोसेस से आप मोर देन टाइप की सीएफ से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। समझे क्या? ठीक है, ठीक है, जाओ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।